दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई एम ए सर्विसमैन एंड आई एम ए लॉयर। फ्रेंड्स, बीइंग अ रिटायर्ड आर्मी पर्सन कम लॉयर, आई एम हैप्पी टू असिस्ट यू इन अ लीगल मैटर। देयरफॉर यू कैन अप्रोच मी फॉर अ लीगल एडवाइस। और इसके लिए आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा आज के वीडियो सेगमेंट की, जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूं एक अवेयरनेस भरा पत्र। बहुत ही गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है और आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई, खुशखबरी कि आपकी ORP 3 आपकी उम्मीदों से पहले रिकॉर्ड तोड़कर लागू होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे खुशखबरी की। वास्तव में रिकॉर्ड तोड़ जो है काम हुआ है, खुशखबरी है। लो भाई, 23 जुलाई के बाद लागू होगा ORP 3। उम्मीद से जल्दी मिल रही है ORP 3। समझो कि जुलाई में, 3 जुलाई को गवर्नमेंट ने इंटरनम तौर पर ORP 3 की घोषणा कर दी थी और गवर्नमेंट इसको अनाउंस करना चाहती थी, पर ड्यू टू कि 23 तारीख को एक मीटिंग रख दी, उस मीटिंग में गवर्नमेंट इसको अनाउंस करने वाली है और उम्मीद 100% की जा रही है कि ORP 3 का रिवीजन आपको इसी महीने की पेंशन में देखने को मिल सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। वीडियो अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना माय डियर फ्रेंड। तो गवर्नमेंट अप्रूव ORP 3 पेंशन में होगी बढ़ोतरी, लेकिन नहीं मिलेगा एरियर। 30 जुलाई को ORP 3 पेमेंट क्रेडिट होने की पूरी संभावना है। देखिए, खबर है ORP 3 के रिवीजन को लेकर कैबिनेट में चर्चा और RTI के जवाब में DSW ने बताया कि ORP 3 को 3 जुलाई से लागू कर दिया गया है। बस इस पर अंतिम राय 23 जुलाई को कैबिनेट में होने वाली मीटिंग में बनेगी और जुलाई से मिलेगा ORP 3 तथा 30 लाख पेंशन भोगियों को होगा फायदा। MOD मूड्स रिवीजन ऑफ ORP 30 लाख रिटायर्ड सोल्जर्स टू बेनिफिट। रक्षा मंत्रालय ने ORP में संशोधन पर विचार किया है और 30 लाख सेवानिवृत्त सैनिकों को लाभ मिलेगा के बारे में ये एक न्यूज छपी है जो आप देख सकते हैं। और इस न्यूज़ में क्या कुछ लिखा है गहराई से, वो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। रक्षा मंत्रालय ने सेवानिवृत्त सैनिकों को लाभ पहुँचाने के लिए ORP 3 के संशोधन पर विचार किया है और न्यूज़ है उसके माध्यम से बताया गया है कि एक ऐसे कदम से जिससे लगभग 30 लाख सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों को लाभ होगा। रक्षा मंत्रालय ने 1 रैंक 1 पेंशन के संशोधन पर विचार किया है और रक्षा मंत्रालय द्वारा परलब्धियों में वृद्धि का एक फॉर्मूला सुझाया गया, मतलब कि उसके रिवीजन का जो एक फॉर्मूला है वो तक भी डिस्कस कर लिया है। इट मींस कि अब ORP इस महीने मिलना लगभग 100% हो गया है। केंद्रीय बजट संसद में पेश होने वाला है। मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए नोट भेजा है। 23 जुलाई को सत्र के दौरान या उससे पहले इसकी औपचारिक घोषणा होने की पूरी पूरी उम्मीद है। ORP योजना के तहत पिछले पेंशन भोगियों की पेंशन जो एक विशेष रैंक पर सेवानिवृत्त हुए थे, कैलेंडर वर्ष 2023 के सेवानिवृत्त लोगों के आधार पर फिर से तय की जाएगी। सेवा और समान रैंक वालों को 2023 में सेवानिवृत्त होने वालों की समान पेंशन मिलेगी। सूत्रों ने बताया है कि MOD ने PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन के लिए एक नोट भेजा था। यह ORP का दूसरा ऐसा संशोधन होगा। पहला संशोधन 2019 में आदेश दिया गया था और 2022 में से मंजूरी दी गई थी। अपने पहले कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने रक्षा बलों के कार्मिकों और पारिवारिक पेंशन, मृत सैनिकों की विधवा, नाबालिग बच्चों के लिए ORP लागू करने का निर्णय लिया था। इसने 7 नवंबर 2015 को पॉलिसी लेटर जारी किया और ORP 1 जुलाई 2014 की कट ऑफ तारीख से दी गई। पॉलिसी लेटर में कहा गया था कि भविष्य में हर 5 साल में पेंशन दोबारा तय की जाएगी। और वो पॉलिसी लेटर क्या है, अब मैं वो पॉलिसी लेटर दिखाता हूँ। ये वो पॉलिसी लेटर है 7 नवंबर 2015 का और इसके Para 3 के Para 5 में क्लियर सा लिखा है कि ORP विल बी रिफिक्स इन एवरी 5 ईयर्स। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात यह है कि 5 साल में ही ORP का रिवीजन क्यों होगा, 1 या 2 साल में क्यों नहीं होगा, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको आगे आने वाले मेरे वीडियोस में बताऊंगा, बड़ी गहराई से मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना है, बहुत ही गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है और आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई, खुशखबरी कि आपकी ORP 3 आपकी उम्मीदों से पहले
रिकॉर्ड तोड़कर लागू होने वाली है।